तो हम लोग बात कर रहे थे अकाउंट्स के पहले चैप्टर की। एनपीओ हमारा चल रहा था, मैं आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहली वीडियो में थ्योरी पोर्शन की बात की थी, 3 हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखे थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखे थे। सेकंड वीडियो पूरी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल्स भी उसके बारे में, थ्योरी भी क्या होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोगों ने जो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही देखा वो था सब्सक्रिप्शन, जो कि इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। यानी पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, कौन से गुड्स होते हैं ऐसे। फिर हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लगभग हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल और ये तीसरा जो सबसे हार्ड न्यूमेरिकल। तो 3 न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या है। देखो कॉस्ट का मतलब तो समझ गए कि हमें टोटल प्राइस निकालनी है, कॉस्ट निकालना है किस चीज़ का, कंज्यूमेबल गुड्स यानी जिन गुड्स को हम लोगों ने कंज्यूम किया है अपने साल भर के दौरान, उनका हमें कॉस्ट निकालना है। अब आप कहोगे सर बात तो कुछ समझ में नहीं आई, आप इंग्लिश में पता नहीं क्या बोल के चले गए। देखो जरा मेरी बात सुनो, सपोज करो हम लोग एक काम करते हैं, लाइब्रेरी तो नहीं, लाइब्रेरी तो मैं आपको हर वीडियो में वही एग्जांपल दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस बार स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब है, स्कूल का स्पोर्ट्स रूम तो देखा है, वो स्पोर्ट्स रूम ही है जो सिर्फ मैं चला रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग 12th क्लास में हो, स्पोर्ट्स रूम तो खूब आप लोगों ने अत दी है स्कूल में, ठीक, स्पोर्ट्स टीचर मैं हूँ, ठीक है। मैंने 1 अप्रैल के दिन देखा मेरे पास काफ़ी सारी फुटबॉल रखी हुई हैं, वॉलीबॉल रखी हुई हैं, क्रिकेट की किट रखी हुई है, पूरी 2-3 किट रखी हुई हैं लगभग, इसके अलावा भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, नेट वगैरह रखा हुआ है, ठीक। मैंने टोटल वोटल वैल्यू निकाली सबकी, तो देखा मैंने कि मेरे पास 20,000 रुपये का सामान रखा हुआ है। साल के स्टार्टिंग में जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल के दिन, तो हमारे पास स्टॉक मटेरियल कितना मौजूद है, स्पोर्ट्स मटेरियल, वो है 20,000 रुपीज़ का ओनली। अब साल के बीच में हम लोगों ने 10,000 का और ख़रीदा सामान, 10,000 रुपीज़ का और परचेज़ किया साल के बीच में, अब कितने का सामान हो गया, 30,000 रुपीज़ का। अब आपको पता है स्पोर्ट्स की ये सारे मटेरियल ऐसा होता है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट के स्टम्प्स है, बैट हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत टूटती फूटती रहती हैं, कुछ फुटबॉल फट जाती हैं, कुछ वॉलीबॉल ख़राब हो जाती हैं, कुछ साल के एंड तक बची हुई रहती है, ऐसा होता है जनरली, स्पोर्ट्स मटेरियल है, ठीक। हमने साल के जब एंड में देखा तो हमने ये देखा कि हमारे पास सिर्फ 18,000 रुपये का ही सामान मौजूद है, कितने का, सिर्फ 18 का। साल के स्टार्टिंग में कितने का था, 20 का, हमने 10 का और ख़रीदा था, यानी टोटल 30,000 का सामान हो गया था। जब साल ख़त्म हुई तो हमारे पास सामान कितने का बचा, 18,000 रुपये का। तो मैं ये कह सकता हूँ साल के एंड में कि हमने करंट ईयर में टोटल 12,000 रुपये का सामान नुकसान कर दिया, या हम कह सकते हैं जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल था उन पर 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें तो फुटबॉल वगैरह थी, सब कुछ टोटली ख़राब हो चुकी हैं, तो 12,000 के हमारे गुड्स कंज्यूम हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती हैं, मेडिसिन भी हो सकती है, यानी जिनका आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और साथ में परचेज भी दे रखा है, वो आपके कंज्यूमेबल गुड्स हैं। ट्रीटमेंट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना सा। बट कभी कभी हमारे पास 2 वर्ड आते हैं सामने, देखो 2 वर्ड कौन कौन से आते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर मैं लिख भी देता हूँ। एक है हमारे पास वर्ड, जो पहला वर्ड है वो है परचेजेस, और दूसरा है जो वर्ड वो है अमाउंट पेड। दोनों में अंतर क्या है, परचेजेस का मतलब सामान खरीदा हमने, अमाउंट पेड का मतलब सामान खरीदने के लिए हमने कितना पैसा पे किया। दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में परचेज दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया होता है। परचेजेस का मतलब है कितने का सामान खरीदा, तो सामान खरीदने का मतलब है चाहे कैश में खरीदा हो, चाहे क्रेडिट यानी उधार में खरीदा हो, सारा ट्रीटमेंट परचेज में हो चुका होगा ऑलरेडी, यानी परचेज में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड होंगी, तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को हम नहीं लेके चलेंगे अगर क्या दिया है, परचेजेस। बट अगर दिया है अमाउंट पेड, अमाउंट पेड का मतलब कितना हमने अमाउंट पे किया है, तो यानी हमने सिर्फ कैश परचेजेस दिया है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा।
बात समझ गए हो इतनी तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स भी करते जाओ। एक काम करते हैं, हम लोग अपने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ स्क्रीन, देखो। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। ये आपका डीके गोयल बुक का पेज नंबर 1.81 क्वेश्चन नंबर 22 है। एकदम न्यू बुक के हिसाब से, जो नया सेशन हमारा 2020-21 सेशन के हिसाब से, ये हमारा 22 क्वेश्चन है। देखो लास्ट लाइन सबसे पहले हमें देखनी है, क्या दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, मटेरियल परचेस्ड गिवन है। परचेस्ड का मतलब कैश क्रेडिट दोनों ही गिवन है, तो अगर बाई चांस क्रेडिटर्स दिए हों, आउटस्टैंडिंग दिया हो, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। देखो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज से। और हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बस, क्योंकि हम क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट इसमें नहीं करेंगे। दिया क्या है, स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, क्रेडिटर्स का तो कुछ भी नहीं करना। अच्छा, पहले स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज का अमाउंट लिख लो 4,94,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, देखो 2018 ओपनिंग है, 2019 क्लोजिंग है, तो ओपनिंग है 87,000 रुपीज़, क्लोजिंग है 107,000। ठीक, हम लोग प्लस और माइनस कर लेते हैं जल्दी से, तो 4,94,000 और आपका प्लस में है 87,000, माइनस में है 107,000, तो ये आपका आएगा 4,74,000 रुपीज़ ओनली। ठीक, पहला क्वेश्चन खत्म। अच्छा, बाकी आप पूछ रहे होगे सर बाकी का ट्रीटमेंट भी तो बता दो, कुछ बैलेंस शीट में भी तो होगा, बिल्कुल होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक वो भी एसेट, नहीं कर पाओगे यार। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे एसेट साइड क्या लिखोगे, स्टॉक कितना लिखोगे 87,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर भी एसेट साइड लिखोगे, स्टॉक कितना लिखोगे 107,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अगेन आपका डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका पेज नंबर 1.81 पे क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं, एक काम करो सबसे पहले लास्ट लाइन मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है पहले क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी, अमाउंट पेड दे रखा है। अमाउंट पेड का मतलब सिर्फ कैश में जो हमने परचेस की है स्टेशनरी के साथ, हाँ, तो कैश में जो स्टेशनरी परचेस की है वो हमारे पास गिवन है, यानी हमें क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट, एडवांस का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट तो आपने बताया ही नहीं, एडवांस का ट्रीटमेंट तो आपने बताया ही नहीं, भाई जो हमने सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट किया है, बस यहाँ पर क्रेडिटर्स था वहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, मतलब तो दोनों का उधार ही होता है ना, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करना है, यानी यहाँ पर क्रेडिटर्स एट एंड प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करते थे, यहाँ पर क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग माइनस करना है। एडवांस एट बिगिनिंग वहाँ प्लस करते थे, यहाँ पर क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग प्लस करना है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें लिख के बता देता हूँ, वरना आप कहोगे सर आप बोल भी रहो फिर अलग से दोबारा लिख रहे हो, दो दो बार मेहनत कर रहे हो। तो अमाउंट पेड से हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चीज़, तो नहीं यहाँ पर ध्यान रखना तीन चीज़ प्लस में है, तीन चीज़ प्लस में क्या क्या होगी, पहली चीज़ तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को मत भूलना, दूसरा है क्रेडिटर्स यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड, और फिर है एडवांस एट बिगिनिंग। अब इनकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं देनी पड़ेगी ना कि ये सब हम लोग प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको डिटेल में बताया, तो आप सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें यार, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मैं जब तक लिख देता हूँ एडवांस एट एंड और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो बस बाकी जो अमाउंट बचेगा उसे हम शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, बाकी जो ओपनिंग वाली है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो तो अमाउंट पेड हमने स्टार्ट किया 42,000 रुपीज़। अब बस देखते जाओ लिखते जाओ, इससे आसान क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल वाली चीज़ है ओपनिंग यानी बिगिनिंग, 31 मार्च वाली चीज़ें हैं क्लोजिंग यानी एंड, तो देख लो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 7,000 रुपीज़। फिर है क्रेडिटर्स, वो भी 1 अप्रैल यानी ओपनिंग, तो ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास कहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मैंने इसे लिख दिया, इसे जबकि लिखना था क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग वैसे तो एक ही है,
बट यहाँ पर हमें क्रेडिटर्स लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग कितना है 4000 रुपीज़, ये आपका होगा माइनस में। फिर है हमारे पास एडवांस, वो भी बिगिनिंग में 6000 रुपीज़, तो ये आपके पास प्लस होगा। फिर है स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारे पास 3000 रुपीज़, ये अगेन आपका माइनस होगा। फिर है क्रेडिटर्स, वो भी एंड में 8000 रुपीज़, ये आपके प्लस होंगे। आउटस्टैंडिंग यानी क्रेडिटर एक ही बात है। एडवांस पेड ये भी है आपका एंड में 1500 रुपये, तो ये आपका माइनस होगा। बस हो गया क्वेश्चन। तो एक काम करें, जल्दी से कर दें हम लोग प्लस माइनस। तो 42000 प्लस 7000 प्लस 8000 प्लस 6000 और फिर आपके माइनस में हैं, तो 4 और 5 5500 और माइनस में है आपका, एक बार मैं दोबारा से प्लस कर देता हूँ, तो 8 6 14 14 और 7 21, 21 और 42 आपका होता है, ये आपका होगा 63000 और माइनस में है आपका 4 और 1 5 5 और 3 8 8500, तो 8500, तो ये आपका आंसर आ गया 54500 रुपीज़ ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको थ्योरी पोर्शन करवाऊंगा। थ्योरी पोर्शन में क्या रहेगा, वो रहेगा आपका सम इम्पॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट दो वीडियो रहेंगी उसमें मैं आपको 6 मार्क्स में आने वाले जो बड़े क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ गिवन क्या है, लास्ट लाइन रीड करो सबसे पहले, तो जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तो ड्यूरिंग 2018-19 की बात करें, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यहाँ ध्यान रखना पेमेंट मेड टू परचेज ऑफ स्टेशनरी नहीं है, क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स है, ये एक नया इशू आ गया, क्योंकि हमने क्या बात की है, परचेजेस या पेमेंट मेड वो होती है परचेज ऑफ स्टेशनरी या पेमेंट मेड टू स्टेशनरी, बट यहाँ पर है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अब अगर आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दे रखा है, ठीक है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब जो उधार वाले थे उनको कितना पे किया है, प्लस करते हैं हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर दो ओनली, माइनस करते हैं हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो ये बताओ इतना प्लस माइनस करने से हमारा क्रेडिट परचेज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सर आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कैसे हो गया। देखो राइटिंग तो मेरी थोड़ी सी सुंदर होगी, पहले मैं राइटिंग को ठीक कर दूँ। देखो क्या होता है, हमने कितना क्रेडिटर्स को पे किया, ठीक। अच्छा चलो क्रेडिटर्स को पे करना छोड़ो, हम लोग ओपनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज करो 10000 रुपये के ओपनिंग क्रेडिटर्स थे, यानी साल के शुरुआत में उधारी हमारे पास 10000 रुपये की थी, ठीक। अब सपोज करो हमने क्रेडिटर्स को 5000 रुपये पे कर दिया, ठीक, 5000 पे कर दिया, 10000 उधारी थी शुरुआत में, कितने बचे क्रेडिटर्स, सिर्फ 5000 रुपये के। करंट ईयर में हमने सामान वामान खरीदा, तो उधार में सामान खरीदा सपोज करो हम लोगों ने 15000 रुपये का, तो 5000 के क्रेडिटर्स बचे थे, 15000 के ये आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने हो गए, 20000 रुपये के। यही सेम ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर है कि आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर आपको पेमेंट मेड दिया है, आपको क्रेडिट परचेज निकालना है, जो हमने यानी जो हमने उधार में सामान खरीदा था वो आपको निकालना है। तो कुल मिला के जब क्रेडिटर्स का ही हिसाब किताब है तो पूरा क्रेडिटर्स का ही ट्रीटमेंट कर दो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दे रखा है प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, तो ये आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा। देखो जरा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, 1,62,000 आपके पास गिवन है, ठीक है। इसके बाद चलो ये जीरो ज़्यादा दूर बन गए, तो 1,62,000 गिवन है। अब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर देख लो, तो ये है क्रेडिटर्स 1 अप्रैल वाले हैं आपके पास ओपनिंग, जो कि आपको करने हैं माइनस, और 58,000 है आपके पास एंड वाले। बस इसमें एक यही बात समझने वाली थी, फिर 18,000 है आपका प्लस का, तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपये, ठीक। अगर इतना क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब देखो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचा है। यहाँ पर क्या लिखा है इसके बाद, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, जो आपने स्टेशनरी परचेज की है कैश में वो 25% है टोटल स्टेशनरी का। चलो ये बात तुम लोगों को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको समझा दूँ, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल परचेज। ये बात तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि हम लोग टोटल परचेस क्या करते हैं, या तो कैश में खरीदते हैं या फिर हम लोग क्रेडिट में यानी उधार में खरीदते हैं। अब यहाँ पढ़ो जरा क्या लिखा था, स्टेशनरी परचेज इन कैश, कैश में कितना है 25% ऑफ टोटल। अगर हम लोग टोटल को एक्स मान लें तो कैश में कितना है 25% ऑफ टोटल, प्लस क्रेडिट तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्रेडिट तो हमें गिवन है 1,80,000 रुपये,
एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x 25/100x इस साइड आ गया, ये 1,80,000 यहाँ आ गया। चलो तो x की वैल्यू अगर इसे माइनस करें तो ये बचता है 75/100x इज इक्वल्स टू 1,80,000। पूरा सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा। तो x इज इक्वल्स टू 100 × 1,80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये अपॉन में आ जाएगा 75। तो 25 × 3 = 25, 4 = 3, 6 = 18 और 6, 6, 12, 18, 24 240,000 रुपये एक्स की वैल्यू आई। एक्स क्या था, टोटल परचेज। और जब आपको परचेज दे रखा हो तो परचेज में आपको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो परचेज हमने निकाल लिया 240,000 रुपये। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बिल्कुल है। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 25,000। तो ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग है 25,000 रुपये, बस ट्रीटमेंट कर दो। तो 240 और 30 आपका 270, और 270 में से आप 25 घटाओगे, 270 में से आप 25 घटाओगे तो ये आएगा 245,000 रुपये। और ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी काहे की रहेगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो आपके हैं सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू NPO उसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन और पहली आपकी थ्योरी, ये आपका 4th पार्ट, और लगभग मान के चलो 3 पार्ट और आएंगे। तो 4 और 3, 7 पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा आपका पूरी तरीके से ख़त्म। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और हमारे रिस्पॉन्स के लिए एटलीस्ट एक कमेंट और एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दिया करो, ताकि आपका तो बेनिफिट हो ही रहा है, साथ में आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो और थोड़ा सा उससे हमारा भी बेनिफिट हो जाए। क्योंकि व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे, उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लेके आएंगे। क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत ही जल्द पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।